Assalamualaikum, my name is Damar Shah. This is my new vlog. Hope you like it. चलो आज का vlog शुरू करते हैं. और इतनी ज़्यादा स्कूल में गर्मी थी और अभी फिलहाल मैं घर आके इतना ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे अब सोच रहे होंगे इतना थक गया हूँ तो vlog क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सरप्राइज मिला है. जो मेरी रफ चप्पल थी है, जो घर की रफ थी वो मेरी टूट चुकी थी, तो बाबा को मैंने कहा. बाबा ने यानी कि दो दो सरप्राइज हैं. एक बाबा ने चप्पल लाई मेरी और दूसरी लाई है क्लोज. चले आपको दिखाते हैं. पहले क्लोज की बारी है और ये रही मेरी, तो ये रही मेरी पैंट इतनी लंबी. बढ़िया, मैंने सारी तो ये विचार किया. चलिए इसे फोल्ड कर देते हैं ऐसे करके. नहीं नहीं नहीं, इस साइड को टर्न किया हुआ है फिर इसका ऐसे. और ये हमारी पैंट हो चुकी. और दूसरी बात, ये शर्ट मुझे और मेरे बाबा को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है. देखें बहुत ज़्यादा नरम भी है, ऊपर टाइगर. बैक साइड दिखा देते हैं. चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ माय चप्पल. किसी दिन पहनेंगे इसको, इसको इधर रखते हैं और इसको इधर. और ये माय चप्पल. चलिए अनबॉक्स करने वाला हूँ अपनी चप्पल को. अटक गया शॉपर तुम्हें, यानी कि एक सरप्राइज के साथ दो सरप्राइज. तो ये रही मेरी चप्पल. मैं जब देखा मुझे लगी लड़की मेरी बहन क्यों नहीं है, क्योंकि लड़की जैसी दिखती है. साइड साइड पे ये जो धागे से बांधा हुआ है गोल्डन कलर का, ये देखता है जैसे लड़की वाले हैं. और यहाँ पर ए, ए फॉर अमर. और आपको दूसरा भी दिखाते हैं. और ये रहा, चले अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ. ये मैंने पहन लिया. देखें कमेंट करके बताएं किस किस का प्यारा लगा है. और अब मैं आपको बाद में मिलूंगा, या मैं बाहर जाके भी बैट बॉल खेलूंगा तब मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं अकेला. और अकेला तो मैं बहुत फेंकता हूँ, कभी कभी लगता भी नहीं मेरा इतना ज्यादा मैं अकेला हो जाता हूँ. नहीं लग गया मेरा. लाइ मैं लेके आता हूँ. चक्का लगा छत पे गया. इतने सारे बैट बॉल में भी हम खेल चुके हैं. गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर से. खुल जा. फिलहाल छत में आ गए और धूप पड़ी है इतनी गर्मी. और ढूंढो ढूंढो, ये रहा माय बॉल. छत पे बताऊँ मैं क्यों नहीं खेलता, नीचे क्यों खेलता हूँ. नीचे धरा ना बाहर ऊपर आके पहुँच जाता है. छत में देखो मैंने वहाँ से बोल और गया. दो साइड खुली होती है छत, इसलिए किसी भी साइड पे चले जाता है. इसलिए अक्सर मैं नीचे ही खेलता हूँ. नीचे खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है वैसे. ऊपर कौन बॉलिंग करवाते इतनी गर्मी में. चले मैं कुंडी लगा लूँ. लो जी मैंने कुंडी लगा.
मेरा फोन, कुंडी लगा लियो मेरा फोन। रुक जा ना जरा, किधर जाते हो? मैं भी बैट बॉल खेल रही था, जो 50 को पाल बनाया था उन्होंने, अगले बंदों ने बैट बॉल पे मैंने सीखा। और अभी तो दावत के लिए मैं आज को सुबह बैट बॉल खेलता, वो मैं थक गया बैट बॉल ही, अक्सर तो मैं बैट बॉल ही खेलता रहा। और अभी डॉगी बोल रहा है मुझे डर लग रहा है कहीं से डॉगी ना निकल है, और वो दावत अभी हो रही है। आपको बैट के हमें सारा माहौल दिखाते हैं, चले आए डॉगी हो और फिर क्या करेंगे डॉगी, और फिर क्या करेंगे। अभी फिलहाल अभी सब कर बता रहे, और वहाँ दुख गई थी ये कब्रिस्तान। ये छोड़ दो यार, हाय हाय अब हम रिक्स करेंगे। एक देख तो पहले बन चुकी है, डर रही है एक देख, और अब ये दूसरी बन रही है। और आग चेक करें, मैं आग देख के हैरान हूँ। अब आग चेक करें कुछ हो जाए, आप आग चेक करें कितनी है तेज। एक बार मैं साइड को आ चुका हूँ, और ये एक देख तो रेडी हो चुकी है। और अब दूसरी अस्सलामुअलैकुम, मजाक लगाओ, आग चेक करो, बस आग चेक करो, आधी पीछे जा। अरे मन कहा है, और आग तो मैं टाइम लाइट में बनाया, और तो आग तो बहुत ज़्यादा है, अंदर आप देख सकते हैं। मैंने खोल दिया ढक्कन, पहले बंद था, खोल दिया, धुआँ चेक करो, धुआँ सरान साहब। अरे हादी सारे यहाँ पे छोटे बच्चे सारे यहाँ पे खेलने वाले सारे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्या अरे गिरोगे ना, गिरोगे, पहले ही वो गिरे हैं, देखो पहले ही इतने ज्यादा लोग पहले ही गिरे हैं। ए वापस वो गिर जाओगे, उधर चलो चलो सारे उधर, और भी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर बाद आएंगे, कभी खाने ही आने, बस बन गई है, बस एक तैयार हो गई है, बस ये बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्यों फेंकी है, आग ना लग जाए, बस धुआं, इसे कहते हैं असली धुआं। ये धुआं निकलना शुरू हो गया, ये ऐसी जगह कोयले होते, कोयले कोयले बन गए हैं कोयले। ये इधर चेक करो, पानी फेंका था, सांप में कितना निकलना था, ऊपर चेक करो, सब कुछ चेक करो। पानी नहीं, मैं तुम्हारे पकड़ के इधर लगा दूँ, ये तुम्हारी गलती से लग गया, ये तुम्हारी गलती से लग गया, तो तुम क्या करोगे? स्टार्ट ये पहले बंदे यार क्या कर रहे हो? ये जी धुआं बस निकलना ऐसा ऐसा, देखो देखो जम हो चुकी थी, तो छोटे छोटे जो नीचे रहे। और ये रियान साहब, रियान भाई शर्माया हुआ बंदा, शर्मायो आप तो चेक करो रियान भाई, धुआं चेक करो, धुआं बस चेक करो, सारी बात छोड़, धुआं चेक करो, पर जा रही है, देखो 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 माशाल्लाह, मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, कर रहे बन चुके हैं, ये बन चुके, वो चिकन वाले हैं ये सब, हिलाने ये आलू वाले हैं, वो चिकन वाले हैं, ये आलू वाले हैं, क्यों।
एक देख तो बन चुकी है और दूसरी जो है वो दम पे है। और अभी तो हम मौलवी फरा साहब हमें अंदर लेके जा रहे हैं सारे बच्चों, क्योंकि कारी साहब ने तकरीर शुरू कर दिया। तो चलें आपको बैठ के तकरीर देख सुन हम सुनेंगे, तकरीर आपको भी सुनाएंगे। यहाँ पर हमने चप्पलें उतारी, ये देखें मैंने उतार दी, और चलें अब हम अंदर चलते हैं। और ये अंदर एंटर हो चुके हैं और ये हम जाएंगे अंदर वाले हॉल में। ऐसी जगह जो अंदर जाके ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं सही तरह से व्लॉग बनाऊँ और मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। प्रैक्टिकल की शक्ल के अंदर बाकायदा नमूने की सूरत अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक नु रब्बुल आलमीन ने मेरे और तुम्हारे सामने बतौर नमूना पेश किया। लिहाजा हक के बनता है और मेरी तुम्हारी जरूरत विचों जरूरत देवे कि असी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पाक का बगौर मुताला करिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पाक को बारीक बीनी नाल चेक करिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पाक दे एक एक पहलू का जायजा लीए। क्यों मैं कहना कि वो जिंदगी पाक दे एक एक पहलू का जायजा लेना सवाब फजीलत नेकी अजमत वो सारा कुछ एक मिनट नहीं रहन दो साहिब ते। ये जिंदगी मेरी तुहाडी जिंदगी गुजारन वास्ते साडियां जरूरतां जो जरूरत है कि असी अल्लाह दे नबी दी जिंदगी पाक दा मुताला करिए। साडियां जरूरतां जो जरूरत ता ही पता लगेगा ना कि आमिर अपने नाम अलैहि सलातो व सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी है। आप उठते कैसे रहे ने, आप बैठे कैसे रहे ने, आपने शादियां कैसे कीतिया ने, आपने खुशियां और गमियां के मामलात को किवे डील कीता, किवे निपटाया, परेशानी के मामलात को आपने किवे हैंडल कीता, ये सारियां चीजां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पाक दे मुताले तो बाद सानू समझ आउणियां ने। और आइए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फिर जिंदगी पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल करके उठाया और जो मेरे नबी ने खुद आप अपनी जुबान चो हुक्म दिता है, आप अपनी जुबान चो जो आकर दिता है, साडा ईमान है और मुसलमान बंदे का यह ईमान होना लाजमी है, जरूरी है। एक एक कुरान कुरान पाक वो सारे असि समझ रहे हैं, वाजे बिल्कुल दलील है कि कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है। मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह यानी आसमान तो अल्लाह ने नाज़िल की थी है। कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है और कुरान पाक के बाद वही इलाही दी दूसरी सूरत, वही इलाही दी दूसरी शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। यानी मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जुबान पाक से फरमाया जिने कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह की कसम बिल्कुल उसे तरह ही जो आपने अपनी जुबान से फरमाया वो भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, वो भी आसमान तो रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया। किस तरह? क्योंकि मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने अहकामात के बारे में आपकी जुबान के बारे में अंदर आपने फरामीन और गुफ्तगू के बारे में अंदर रब्बे कायनात ने ओवर आने के ऐलान कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब ए मोहम्मद पूछिए आपको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान पाक के बारे आपकी गुफ्तगू के बारे ऐलान कर दिया रब्बुल आलमीन ने कि आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान में जो निकलता है नबी अपनी मर्जी ना बोल दे, तू ही बोलो नबी अपनी मर्जी ना बोल दे, मेरे आका अपनी मर्जी ना गुफ्तगू नहीं करते, मेरे आका अपनी मर्जी ना ते बोल दे ही नहीं, अल्लाह कदों बोल दे ने? फरमाया मेरे नबी ते जदों बोल दे ने अर्श वाले ते आकर ना बोल दे। तो
करीब ख़त्म हो चुकी है और अब सबको खाना दिया जाएगा। और देख सकते हैं आप सारे ग्रुप बैठा यानी कि ग्रुप बना के बैठ रहे हैं, क्योंकि सारे दोस्त हैं ना, इसलिए ग्रुप ग्रुप बना के बैठ रहे हैं। और यहाँ पर दावत में जो हमें मिले हैं वो हैं मीठे चावल और बिरयानी। और अभी तो मेरी प्लेट शायद तैयार हो जाएगी, जो पहली देग थी और दूसरी देग थी वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और अभी तो देखें पराते में डाला जा रहा है और बारी बारी सारे एक एक ग्रुप में एक परात डाली जाएगी तो सबको मिलेगी। बहुत ज़्यादा परात हो चुकी हैं तैयार देने के लिए और अभी तो मीठे चावल डाले जा रहे हैं। और देखें ये सारी परात और वो मीठे चावल डाले जा रहे हैं और एंड में जाके मीठे चावल आए थे। पहले जब हम बिरयानी खाए थे तब थोड़ी थोड़ी मिर्ची लगनी शुरू हुई, एंड में जाके दिए। और ये देखें सबको देख रहे हैं कि कोई लड़ाई ना करे, क्योंकि वो बैठे बैठे लड़ाई करते हैं, इसलिए देखें सारे ग्रुप बना के इधर। और बाद में जब सब ने खा लिया और जब वो बाहर जा रहे तो ओहो क्या रश हुआ था मेरी, ऐसे जैसे पूरी चप्पलें पीछे उधर उधर, एक पैर मिलता है और एक पैर मिलता ही नहीं, ढूंढना पड़ता है। हमारी मस्जिद में छोटों को आना मना नहीं है और छोटे बड़े कोई भी आ सकते हैं, इसलिए ये देखें इतना ज़्यादा रश हो चुका है। और देखें ये रहे मीठे चावल की ये रही प्लेटें और उस साइड में बिरयानी की है। और ये हमारी बिरयानी आ चुकी है परात में। और मैं तो ट्राई जैसे ही करने वाला था, साथ ही इतने ज़्यादा गर्म थे, फिर भी मैंने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे देखें। और यहाँ पर हमारा ग्रुप भी बन गया और वो मीठे चावल, मुझे स्टार्टिंग में ना मीठे चावल नहीं खाए मैंने, देखें सारे खाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ मेरे साथ ही रियान भाई बैठे हैं और सारे रियान भाई के दोस्त हैं और मैं भी साथ साथ खा रहा हूँ। और कमेंट करके बताएं किस किस के मुँह में बिरयानी देख के मुँह में पानी आ रहा है। ओके, मैं अपना व्लॉग यहीं पर फिनिश करता हूँ। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह।